उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पूर्व गृह राज्य मंत्री रामलाल राही और उनकी पत्नी सुंदरी राही की प्रतिमाओं के अनावरण कल सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। मूर्तियों के अनावरण में पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने आयोजित किया है। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर अंतिम रूप दे दिया है। शहर के मोहल्ला नई बस्ती में स्थित साई मंदिर में कारागार राज्य मंत्री के पिता पूर्व गृह राज्य मंत्री रामलाल राही व माता सुंदरी राही की प्रतिमाओं के अनावरण होना है। सोमवार की दोपहर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद प्रतिमाओं को अनावरण करेंगे। साई मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम कार्यक्रम के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक अधिकारियों के संग किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सदागति टाइम्स। देखिए, हमारे पूज्य बाबूजी और हमारी पूज्य अम्मा जी दोनों लोगों की मूर्ति कल अनावरण है, जिसमें कि मुख्य रूप से हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद जी, आदरणीय कौशल किशोर जी केंद्रीय मंत्री और आदरणीय जितिन प्रसाद जी लोक निर्माण मंत्री, ये तीन लोग आ रहे हैं। ये मूर्ति अनावरण कार्यक्रम हम लोगों ने जो रखा है वो सिर्फ एक संदेश है कि आदमी गरीबी में रहते हुए कैसे ऊपर उठ सकता है और कैसे अपने आदर्शों को स्थापित करते हुए शिखर तक पहुंच सकता है। सिर्फ ये प्रेरणा के लिए हमने खाली इन मूर्तियों को कराया है ताकि लोगों को प्रेरणा मिलती रहे और ये ना समझें कि बड़ा आदमी ही या बड़ा व्यक्ति ही राजनीति में प्रवेश कर सकता है, गरीब आदमी भी राजनीति में प्रवेश कर शिखर तक पहुँच सकता है, बशर्ते उसके अंदर ईमानदारी, लग्न और देश सेवा, गरीबों की सेवा के प्रति समर्पण होना चाहिए। 24 का इलेक्शन है, क्या तैयारियाँ? 24 के इलेक्शन हम लोग तो इलेक्शन में हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी पार्टी 5 साल हम लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, लगातार जनता के बीच में जाते रहते हैं, तो इसलिए हम लोग को चुनाव के समय को समस्या कार्यक्रम है। क्या जनसभा का भी इंतजाम है? जी हाँ, एक जनसभा का भी आयोजन होगा। लगभग कितनी भीड़ होगी? अब ये तो हम नहीं बोल सकते, जिस तरीके से तैयारी चल रही है उस हिसाब से और लोगों का जो फोन आ रहे हैं उससे लगता है काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और आप लोग का भी सहयोग मिल रहा है। बराबर है, आप लोगों के माध्यम से सूचना जा रही लोगों को है और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि कल के कार्यक्रम में सभी लोग आए। यहाँ पे आप सभी का स्वागत है। थैंक यू।